गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों कल मैंने आपका चैप्टर 9 प्रारंभ किया था, जिसका कि शीर्षक है समयस्य महत्वम। इस समयस्य महत्वम जो आपका शीर्षक है, इसके विषय में समझाने के उपरांत मैंने इस चैप्टर को भी आपको पढ़कर बता दिया है। अब मैं प्रारंभ करूंगी आपके अभ्यास कार्य को। आपके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, कि मैं सबसे पहले शब्दार्थ को लिखवाती हूँ। तो आइए आज आपके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपके शब्दार्थ को, उसका संस्कृत, हिंदी एवं इंग्लिश, यह तीनों मीनिंग को लिखकर पहले इसके अर्थ को समझते हैं। बच्चों आपका चैप्टर 9, जिसका कि शीर्षक समयस्य महत्वम है, समय के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इसके विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी है। इस पाठ को भी पढ़कर मैंने अच्छे से आपको हिंदी अर्थ के साथ बता दिया है। अब मैं प्रारंभ करूंगी इसके अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य में कुछ क्वेश्चंस हैं। इसे प्रारंभ करने से पहले मैं इसके शब्दार्थ को देखूंगी, यानी वर्ड मीनिंग, जो संस्कृत में है, फिर उसका हिंदी अर्थ दिया गया है, फिर उसके इंग्लिश मीनिंग, जो भी हैं जो बच्चे आराम से समझ सके, मतलब संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ भी जान पाएंगे और इंग्लिश में भी उसे जान पाएंगे। इसे ये होगा कि बच्चे को तीनों लैंग्वेज में, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, तीनों में इस मीनिंग को समझ में आ जाएगा और वो अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आइए बारी बारी से हम पहले संस्कृत शब्द को लिखेंगे, फिर उसके हिंदी अर्थ को, और फिर इसके इंग्लिश जो मीनिंग है उसे भी लिखकर बताऊंगी। तो पहले संस्कृत शब्द में पहला शब्द है सदुपयोग। बच्चों आप सभी बच्चे भी अपनी कॉपी में इसे लिखकर अवश्य ही याद कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सदुपयोग, इसका हिंदी अर्थ होगा ठीक उपयोग। और इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है वो होगा प्रॉपर यूज। इसका दूसरा शब्द है करणीय, करणीय, करणीय का हिंदी अर्थ होगा करना चाहिए, करना चाहिए। इसका इंग्लिश में होगा शुड डू। इसका तीसरा जो शब्द है वह है अलसाह। इसका हिंदी में अर्थ होगा आलसी। और इंग्लिश में अलसा, अच्छा यह उसका होगा आलसी लोग। इंग्लिश में इसका होगा लेजी पर्सन। लेजी पर्संस, आलसी लोग। अब इसका चौथा शब्द है वह है स्वकीयम। स्वकीयम, इसका हिंदी मीनिंग होगा अपने। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ओन।
इसका जो पांचवा शब्द है वह है वृथा। वृथा का हिंदी अर्थ होता है बेकार। इंग्लिश में उसे कहते हैं यूजलेस। यूजलेस। इसका अगला शब्द है गमयंती। हिंदी में से कहते हैं गवा देते हैं। और इंग्लिश में से कहते हैं वेस्ट। अब है कदापि। यानी कभी। इंग्लिश में से कहते हैं नेवर। स्वः। मतलब होता है कल आने वाला। इंग्लिश में से कहते हैं टुमारो। टुमारो अब है अगला शब्द है अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। डब्लू आगे चल। इंग्लिश में कहते हैं से टुडे। अब है पठनिया। पठनिया हाँ, पठनिया का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में उसे कहते हैं शुड स्टडी। इस प्रकार से मैंने आपको संस्कृत के 10 शब्द लिखकर उसके हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग के साथ मैंने लिखकर आपको बताया है, जिसे मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ये पहला शब्द है सदुपयोग। सदुपयोग का हिंदी अर्थ होता है ठीक उपयोग। इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रॉपर यूज़। करणीय। करणीय का हिंदी अर्थ होता है करना चाहिए। इंग्लिश में उसे कहते हैं शुड डू। अलसाह।
अलसा का हिंदी अर्थ होता है आलसी लोग, इंग्लिश में उसे कहते हैं लेजी पर्संस। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपने और इंग्लिश में उसे कहते हैं आउन। वृथा, वृथा का अर्थ होता है बेकार, इंग्लिश में उसे कहते हैं यूजलेस। गमयंती, गमयंती का हिंदी अर्थ होता है गंवा देते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं वेस्ट। कदापि, कदापि का हिंदी अर्थ होता है कभी और इंग्लिश में उसे कहते हैं नेवर। स्व, स्व का मतलब होता है कल, आगे आने वाला और इंग्लिश में उसे कहते हैं टुमोरो। अद्य, अद्य का मतलब होता है आज यानी टुडे। पठनीयः, पठनीयः का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना चाहिए और इंग्लिश में उसे कहते हैं शुड स्टडी। इस प्रकार से 10 संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको लिखकर बता दिए। बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपका जो शब्दार्थ था इसमें से इसके संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ एवं इंग्लिश मीनिंग को मैंने लिखकर आपको बता दिया। आप सभी बच्चे भी ध्यान से मेरे द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं उसे अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। आगे आपके जो अभ्यास कार्य है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।